ना तुमने अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दी, ना किसी रेप्यूटेड चैनल के जर्नलिस्ट को, और ना किसी अपने को। वाई मी? आई मीन आई एम जस्ट अ लोकल जर्नलिस्ट। बिल्डिंग के उस इंसिडेंट के बाद सबका बस एक ही सवाल था, मैंने अपने दोस्त के साथ क्या किया। नहीं, आई थिंक यू शुड नो द एग्जैक्ट वर्ड्स। मैंने अपने दोस्त को क्यों मारा? कहीं मैंने उसके बॉडी पार्ट्स पैसों के लिए बेच तो नहीं दिए? पर तुम सब सच जानना चाहती थी, एंड दैट वेट इंट्रीग मी, जबकि बाकियों को तो बस अपने झूठ को सच में बदलने की आदत लगी हुई थी। तो बताओ, उस रात सूजन अपार्टमेंट में क्या हुआ था? वैसे आप कहाँ जा रहे थे? मैं भी, बाय द वे आई एम आर्यन। वैसे आप कहाँ से हो? से खुद चला जाऊंगा। आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। फिर एक दिन रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा फील होना स्टार्ट हुआ, एंड आई वॉज लाइक मे बी समवन इज देयर इन दिस रूम विथ मी, मे बी इट्स आर्यन। एटमोसफियर एकदम से ठंडा पड़ गया था और एक अजीब सी फीलिंग मुझे इस बोर्ड तक खींच लाई। देख शुभ, मैं ये सब में नहीं मानता। बचपन में दादी कहा करती थी कि मरने के बाद लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती। और अगर कोई ये दावा करता है कि वो मरे हुए से बात कर सकता है तो उनकी बात सरासर झूठी होती है। और अगर पहुंच जाए देन यू कॉल वन ऑफ देम बट दे ऑल कैन हियर यू। उस दिन मुझे आर्यन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, सब मेरी गलती है। उसके पास तो अपनी स्टिक भी नहीं थी। हाँ तो उसने तुम्हारा छोड़ा था, so don't feel guilty. And I have possible reasons for this.
पाठक, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये किसी भी ऑफिसर को बाहर बताने से सख्त मना किया गया है। सुजन अपार्टमेंट की एक फैमिली में 7 लोगों की बहुत ही भयानक तरीके से मौत हुई। सबसे अजीब बात तो यह है कि सबके सर धड़ से अलग पाए गए और सबके शरीर बिखरे हुए थे जमीन पर। और अगर अपार्टमेंट डीलर की बयान को माने तो ये फैमिली यहाँ की थी ही नहीं, और पूरे अपार्टमेंट बस एक फैमिली रहती थी क्योंकि उन्हें बहुत चीप रेट में अपार्टमेंट मिला। और काफी सारे रूमर्स ऐसे भी हैं कि ये जगह बहुत हॉन्टेड है, पर सरकार कभी इसे मानने को तैयार ही नहीं थी। और जब तक ये बात हायर ऑफिशियल तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत सारे मासूमों की जान जा चुकी थी। और अब सरकार इसे दबाने के लिए सारे मिस्टर पाठक का वीडियो तुझे कहाँ से मिला? मरियाने वेब से। गवर्नमेंट ने इस वीडियो को इंटरनेट से कब का हटा दिया है, बट डीप मरियाने वेब में ये आज भी एग्जिस्ट करता है। अबे घंटा विश्वास ना करें इन सब बातों पे। लोगों को पागल बनाने के लिए ये सब बनाते हैं ताकि हम किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाएं और वो बस अपनी जेब भर सके। ठीक है, मेरी दादी भी ऐसी थी। दिस इज जस्ट ए गेम। मगर ये सब सच भी तो हो सकता है ना, वरना वो अंधा आदमी अपार्टमेंट का नाम सुनते ही डर क्यों गया था? चलो उसी से ही पूछ लेते हैं। इस गेम के 3 नियम होते हैं, अकेले नहीं खेलना, कब्रिस्तान में नहीं खेलना, खेलने के बाद गुड बाय बोलना। कॉइन के ऊपर हाथ रखो। आर्यन, अगर तुम हमारी आवाज़ सुन सकते हो तो हमें कोई इशारा दो। क्या तुम यहाँ पे हो? क्या कोई भी ऐसी आत्मा है जो हमसे बात करना चाहता है? ये क्या कर रहे हो तुम? हमें सिर्फ आर्यन के साथ कांटेक्ट बनाना था। हमें ऐसे ही किसी भी आत्मा को नहीं बुलाना चाहिए। अबे कोई नहीं आएगा, और इस गेम का असली मज़ा उठाना है तो ये सब ड्रामेबाजी तो करनी पड़ेगी। और कोई भी बोर्ड पर कुछ भी लिख दे हम मान जाएंगे क्या? क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो अब तू? यार वो घर पे कुछ काम है, मम्मी बुला रही है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। And now, sweetheart, we do must part. The fair must be अगर ये बोर्ड एक गेम से बढ़कर है और अगर मेरी बातें आर्यन तक पहुंच रही है तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आई एम सॉरी। When we come to sleep, the
It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. They walk by the grass and they look at... They walk by the table in the soft the grass. It's going to be a fine night tonight. Thank you.